वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक के बाद हम आपको एक बहुत ही अच्छा सैलेड बनाना सिखाएंगे. क्या खा रहे हैं? यू लाइक सैलेड्स? ओह, आई लव सैलेड. अच्छा, इस सैलेड की खास बात यह है कि इसके साथ हम एक बीफ बनाएंगे विच इज पैन फ्राइड, और उसको हम सर्व करेंगे बेक पार्लर के एल्बो मैक्रोनी पास्ता के साथ. पैन हम ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑलमोस्ट टू टी स्पून. और इसमें जो हम बीफ यूज कर रहे हैं, इट्स फिले ऑफ बीफ यानी टेंडर लॉइन, और इसके हम स्लाइसिस काट लेंगे. ये हो गया. अब ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, इसके हम ये स्लाइसिस हमने जो काटे हैं थिन स्लाइसिस, ये एक एक करके हम इनके फ्राइंग पैन में रख देंगे और लेट इट कुक ऑन अ हाई हीट. अच्छा, ये हम इसमें कुछ थोड़ा सा लेटस डाल देंगे, रफली हाथ से इसको काट देंगे. नो स्पेसिफिक डिजाइन, नाइफ से इनको काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. और इसका भी एक अपना स्टाइल होता है ना, आपने बिल्कुल थ्रेडेड. अच्छा, इसमें हम कुछ पाइनएप्पल डालेंगे, इसको हम छोटे चंक्स में काट लेंगे. पाइनएप्पल हमने इसमें काट लिया. और कुछ हम ले लेंगे मशरूम्स 5 to 6, इनको भी हम स्लाइस कर लेंगे थिन स्लाइसेस. और भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें या नहीं? हाँ, व्हाटएवर चॉइस आपकी अपनी. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्सेप्ट द बीफ थिंग. अब इसमें हम डाल देंगे बारबेक्यू सॉस 3 teaspoons फुल, और इसको हम अब बीफ को टर्न करेंगे एक एक स्लाइस को लाइक दिस. इन द मीन टाइम इसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स हमने काटे थे वो इसमें डाल देंगे, और लॉट्स ऑफ स्वीट कॉर्न तकरीबन 6 tablespoons, और इसमें हम डालेंगे ग्रीन ऑलिव्स ऑलमोस्ट 15 to 20 pieces, और इनको हम हाथ से टॉस कर लेंगे. ये बिल्कुल अब पक चुका है और काफ़ी सिजल कर रहा है. हाँ, सो थोड़ा थोड़ा दूर खड़े रहना ज़रूरी है, है ना? अब इस एक प्लेटर में हम जिसमें सैलेड सर्व करना है उसमें सारा का सारा सैलेड निकाल देंगे लाइक दिस. ओके, वाओ. और इसको हम थोड़े ज़रा इसको हाथ से हम देख लेंगे ताकि एक चीज, हाँ, बैलेंस हर चीज़ नज़र आए. ठीक है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बेक पार्लर के एल्बो मैक्रोनी पास्ता जिसको हमने पानी में पहले से बॉईल कर लिया फॉर अबाउट 5 मिनट्स. और ये इसमें हम डालेंगे 75 grams. ये इसको हम हाथ से ही थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर लेंगे, और सम बेबी कॉर्न्स 5-6 pieces. अगेन इट रियली एड्स कलर टू द डिश और अपेयरेंस इसकी बड़ी अच्छी हो जाती है. और ये भी हम रफली इसके अंदर इसमें लगा देंगे. यू कैन सी दैट इट अच्छे लग रहे हैं ना. अच्छा, इसको हम एक साइड को रख देंगे. एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज मेक द ड्रेसिंग जो इसके ऊपर हमने डालनी है. इसके हम लेंगे 4 teaspoons ऑफ सोया सॉस. और ये ड्रेसिंग आप बना के रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, यू कैन यूज इट आफ्टरवर्ड्स. थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी सोया सॉस इज क्वाइट सॉल्टी. पिंच ऑफ सॉल्ट. क्विक है, इसको क्यों आप रखे? मतलब एक्स्ट्रा बन गई है तो फिर आप इसे फ्रीज कर ले, है ना? बिल्कुल, फेंकने से ज्यादा अच्छा है. बिल्कुल. और इसमें हम 2 wedges लेमन जूस के, 1 tablespoon ऑफ कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बारबेक्यू सॉस जस्ट 1 teaspoon, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इस सैलेड में हम बीफ के स्लाइसेस को अरेंज कर देंगे. दे वी आर. ऑल वी नीड टू डू इज ये जो ड्रेसिंग हमने बनाई थी इसको हम थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से. समटाइम्स जब ड्रेसिंग बना के हम रख देते हैं ये चीज़ इसके इंग्रेडिएंट्स सेटल डाउन हो जाते हैं. थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली फ्लेवर के लिए, उसके टेस्ट के लिए. हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेजिटेबल जितनी भी हैं, पास्ता है, दैट्स टोटली ब्लैंक, कोई इसमें टेस्ट नहीं है. नहीं, उनका अपना जो एक टेस्ट होता है, लेकिन बॉईल करने के बाद लाइक बिल्कुल. और थोड़ा थोड़ा हम ड्रिजल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 4 to 5 teaspoons वुड बी इनफ. ठीक है जी. ओके, दे वी आर रेडी आज का सैलेड. और देखा आपने कितना जल्दी बन गया. बहुत जल्दी बन गया, बहुत जबरदस्त. पैन फ्राइड बीफ, इसके लिए हमें चाहिए ऑयल 2 teaspoon, बीफ 100 ग्राम,
बारबेक्यू सॉस 3 टीस्पून, सलाद के पत्ते 1 कप, पाइनएप्पल आधा कप, मशरूम 6 अदद, स्वीट कॉर्न 6 टेबलस्पून, ग्रीन ऑलिव 20 अदद, बेक पार्लर एल्बो मैक्रोनी पास्ता 75 ग्राम, बेबी कॉर्न 5 अदद, टमाटर 1 अदद। ड्रेसिंग के लिए चाहिए ऑयस्टर सॉस 4 टीस्पून, नमक चुटकी भर, लेमन 1 अदद, ऑयल 1 टेबलस्पून और बारबेक्यू सॉस 1 टी